नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और दोस्तों, आज से हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ एजुकेशनल भी रहेंगे। हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंत में मैं आपको 5 जीके के क्वेश्चन बताया करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि किस भर्ती पर बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इस पर भी कोर्ट केस हो गया है। तो कौन सी भर्ती है ये? ये है दोस्तों लैब टेक्नीशियन की। और इसका जो परिणाम अभी हाल ही में निकला था, उस पर जो है असफल अभ्यर्थियों ने क्या किया है, एक चुनौती दी गई है। और दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया है वो है आपके नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है। जैसे कि आपको पता होगा कई जगह पर CCC मांगा जाता है, मगर किस डेट तक? आपकी जो लास्ट डेट है, या फिर नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि मान लीजिए 1 जुलाई 2019 इस डेट तक चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म डाल देते हैं और फिर बाद में क्वालिफिकेशन को एक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि परीक्षा प्रणाली जो है परीक्षा 2 साल तक चल रही है, तो इस बीच में कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आवेदन की तिथि इस जगह पर देखिए, आवेदन की तिथि पर अर्हता रखने वाले ही पात्र होंगे। इसके बावजूद ऐसे लोगों को ना सिर्फ आवेदन स्वीकार किया गया बल्कि ऐसे लोगों को सफल भी घोषित किया गया। तो इस प्रकार लिखित परीक्षा में असफल रहे लोगों को भी अंतिम रूप से चयनित किया गया। तो आप देखेंगे तो ये जो मुद्दा है ये पहुँच चुका है हाई कोर्ट के अंदर। अब इस पर जो है जवाब मांगा गया है और 25 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब इसमें क्या होने वाला है। वैसे ये चीज़ तो वाकई में आपने देखा होगा, कई लोग हैं जो मुझसे सवाल करते हैं कि अभी हमने CCC नहीं किया है या अभी हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है और फॉर्म निकला होता है, फॉर्म को डाल देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कोर्ट के सामने जब मुद्दा जाएगा तो फिर ऐसे में नोटिफिकेशन को ही देखा जाता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखेंगे इसमें क्या होता है और आप जो है अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। अब बात आ गई 5 क्वेश्चनों की। 5 क्वेश्चन मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, जीके के हिस्ट्री से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग, ठीक है, वो है दोस्तों वल्लभाचार्य। पहला क्वेश्चन हो गया। अगले पे चलते हैं दोस्तों, भक्ति आंदोलन का आपने सुना होगा, तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो इनका नाम पूछा जा सकता है और इनका नाम है दोस्तों शंकर देव। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक, चलिए दोस्तों आप बताना गुरु नानक का जन्म जो है वो किस ईयर में हुआ था, ईयर बता देना आप कमेंट सेक्शन में। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वो है गुरु नानक का धर्मोपदेश यानी कि उनके जो धर्म का उपदेश था वो क्या था, वो था दोस्तों मानव बंधुत्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने अपना योगदान दिया? तो ये कौन सी भाषा है दोस्तों? ये है बंगाली। और आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बीजक के रचयिता कौन थे? और ये कई बार रिपीटेड हुआ है दोस्तों, ये थे हमारे कबीरदास जी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एजुकेशन भी दी जाए, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।